हाँ जी, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? आज ही मेरे पास जुत्ती बननी आई थी, तो वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, इस कलर की बनानी है ना, जो मैंने इस पैरों का डिज़ाइन बनाया था, तो ये ऐसे करके देखो, कलर पतला करके ना, तो ऐसे स्पंज से मैं ऐसे करती हूँ। ये देखो, ब्रश से ना फिर इसमें लाइनें पड़ जाती हैं, इसे पतला करके ना। इसमें आप पतला करने के लिए चाहे तो वो डाल सकते हो मीडियम, या फिर ये चमड़े वाला शाइनर आता है क्या बोलते हैं, प्राइमर, वो डाल सकते हो। इसको पतला करके ऐसे ऐसे स्पंज से धीरे धीरे लगाना है, ठीक है? ये पहले कलर नहीं हो, जूती पर कलर नहीं होना चाहिए, तो पर मेरे को जल्दी जल्दी में जो है ना वो वाली जूती मिली नहीं, तो ये फिर अब मैं इसको ऐसे कलर कर लूंगी। ये देखो, पतला पतला करके ना दोनों पर, इस पर एक दो कोट कर देंगे, जिससे कि ये लगभग इसके सिमिलर हो जाएगी। ऐसे करती हूँ मैं स्पंज से कलर करने से बिल्कुल ऐसे स्मूथ हो जाता है। पहले मैंने सोचा कि येलो कंट्रास्ट ही कर देती हूँ, फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो ऊपर एक एक कोट करके देखते हैं। ये ऐसे अगर इस पर कुछ गड़बड़ हो जाए, इस पर उतर जाता है कलर, रिमूवर होता है ना, रिमूवर से, बाकी कपड़ों पर नहीं उतरता। मैंने कभी ट्राई नहीं किया, वैसे भगवान की दया से इतना कलर लगा भी नहीं कभी कोई एक अद्धा। अगर मुझसे कोई दाग यहाँ पर, ये मैंने टेस्ट करके देखा था कलर, इसको यहाँ पर फूल चिड़िया आ जाएगी। जैसे अब ये सूख जाएगी ना, तो अब ये देखो दूसरा कोट करेंगे इसके ऊपर। ये देखो, ये जुत्ती बनाना भी इतना कोई मतलब इजी नहीं है, क्योंकि इस पर कई कोट करने पड़ते हैं जब तक कि ये कलर दिखने ना लग जाए। ये देखो स्पंज से, ये देखो अब जो नीचे वाला कलर है डार्क है, अगर अब इस पे कलर ना हुआ होता ना, फिर तो ये इतनी देर नहीं लगती थी अपने को। अब इसको छुपाने के लिए कई कोट करने पड़ेंगे। ये देखो, इसके साथ थोड़ी थोड़ी मैच हो जाएगी। इस तरह से करते जाएंगे, एक दो कोट जो भी, जब तक आपको ये दिखना बंद ना हो, तो इस पे कोट करते रहेंगे। अब इसके ऊपर कोई चिड़िया या जो इस पे जो पत्ते बने हैं ना लीव्स, वो बना देंगे। ये देखो, अब इसको सूखने देंगे एक बार। अब इस पर फिर करेंगे, अब वहां वहां पर कर देते हैं जहां पर कोई डिजाइन नहीं बनाना, जहां डिजाइन बनाना है वहां तो ये मतलब ढक ही जाएगा। ये देखो, तीसरे कोट में लगभग अगर इस जूती को प्लेन निकालना हो ना, मान लो आपकी ये जूती पुरानी हो गई, प्लेन निकालना हो तो रिमूवर से ये पेंटिंग उतर भी जाती है। ये देखो लगभग इसके साथ मैच होता जा रहा है।
ऐसे ऐसे करते रहेंगे। हाँ जी फ्रेंड्स, ये ना जो मैंने थोड़ी देर के लिए वीडियो बंद करवाई थी, क्योंकि इसको सूखने में ना थोड़ा टाइम लगता है, फिर वीडियो लंबी बन जाएगी। और ये मैंने कुछ तैयार करके रखा है ताकि इसके ऊपर आउटलाइनिंग बता दूंगी, फिर इतने में ये सूख जाएगा। अब मैं आपको ये पक्षी बनाना बता देती हूँ। ये मैंने देखो डायरेक्ट कलर लिया है और इसमें एक्रेलिक कलर ज्यादातर मैं यूज करती हूँ। कोई एक आधा कलर अगर बाई चांस नहीं उसमें मिल रहा तो फैब्रिक यूज कर लेती हूँ, नहीं तो नहीं। ठीक है, ये देखो पहले मैंने इसमें मिक्सिंग थोड़ी ओखी होती है, इसमें मिक्सिंग ना थोड़ी मुश्किल से होती है, इसलिए बार बार ब्रश पोंछ के मतलब उतनी क्लियर नहीं होगी जितनी इसमें है ना। धीरे धीरे ब्रश को साफ करके ऐसे, अब ये होगी दिक्कत। और फिर यहाँ पर इसका मुंह बना देंगे इस पैरों का, और फिर इसके वो पंख ब्राउन कलर से, ये देखो। ठीक है, अब थोड़ा सा येलो कलर लेके यहाँ पे इसके यहाँ पे करके, और फिर वही ब्राउन कलर से ये पंख जो नीचे वाले हैं ना वो बना देंगे। बन गए। अब ब्रश को धो के, जैसे मैंने यहाँ पर लीव्स बनाए हैं ना, देखो एक तो ग्रीन कलर से बनाए हैं, सेम यहाँ पर बनाने पड़ेंगे ना, नहीं तो फिर एक जैसा नहीं होएगा पेयर। ये देखो यहाँ पे बना दिए। ठीक है, ये देखो ऐसे बना दिए। अब बैक साइड है ना जो, उस पर भी दो लीव हैं वो बना देंगे। अगर नीचे जुत्ती के नीचे जो है ना बिना कलर की लेनी चाहिए, क्योंकि अगर कलर वाली जुत्ती लेंगे और उसके ऊपर जब कलर करते हैं ना तो हल्की हल्की वो आ जाती हैं लाइनें, सफाई नहीं आती। अगर डार्क कलर करना है बाई चांस जुत्ती पे फिर तो कोई बात नहीं। जैसे अब ये लाइट कलर करना था, नीचे येलो था ना, तो हल्की हल्की सी वो आ जाती है बीच में लकीरें। ये अब मैंने ये कर दिया, ये अभी गीला है, ये सूखेगा। इस पर मैं आपको आउटलाइन बता देती हूँ, इसलिए मैंने वीडियो को स्टॉप करके ये पहले बना लिया फटाफट, ताकि आपको जो है ना एक ही वीडियो में ज्यादा लंबी ना हो जाए। मुझे अभी इतना ज्ञान नहीं है, धीरे धीरे मैं जो है ना सीख जाऊंगी वीडियो बनाना। ओके फ्रेंड्स, अब ये देखो, हर इंसान को हर कुछ नहीं आता, कोई किसी चीज में वो होता है, कोई किसी चीज में। मेरे बच्चे बोलेंगे मुझे कि आपने डबल एमए की हुई है और फिर भी आपको फोन, हम तो अभी इतना पढ़े नहीं है तो, पर बच्चे हैं ना सारा दिन फोन को चलाते रहते हैं, गेम खेलते हैं, उनको ज़्यादा आता है। और मैं कभी ऐसे चलाती नहीं हूँ। मैंने एक साल पहले YouTube का चैनल शुरू किया था और मैं उसको प्राइवेट में डालती रही, मुझे इतना ही नहीं नॉलेज थी, ना ही मैंने बच्चों से पूछा, तो इस करके जो है ना मेरी वीडियोस वायरल नहीं हुई। बस अब ये 2-3 महीने ही हुए हैं जब मुझे किसी ने ज्ञान दिया कि इसको ऐसे डालते हैं और ऐसे टाइटल लिखते हैं। पहले मैंने टाइटल भी नहीं कुछ लिखा था, तो फिर वायरल कैसे होंगे। और भगवान की दया से सिर्फ 1.5-2 महीना ही मुझे हुआ है वीडियोस डालते हुए, और 1.5-2 महीने में ही मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। इसलिए ना ज्ञान होना, अब ये सूख गया, अब इस पे बता देती हूँ।
अब मेरा काम ऐसा है कि इसमें अब हम अच्छे कपड़े डाल नहीं सकते, क्यों, कलर सारा दिन कलर का ही काम है। इसलिए जैसा भी है ना, मैं वीडियो बनाने बैठ जाती हूँ, आप सोचते होंगे, क्योंकि ये सारे मेरे जो सभी सूट हैं घर पहनने वाले, सारे कलर से गंदे हुए हुए हैं। कहीं कलर जितना भी बचा के करो कलर लग जाता है। कई बार तो मैं अपनी शर्ट से ब्रश को ही साफ कर देती हूँ भूलकर, इतने कई बार अपने मस्त हो जाते हैं। जब मैं अनमैरिड थी और पेंटिंग कर रही होती थी तो मेरी मम्मी जो है ना मुझे बोलकर जाती थी कि भी ये तुम्हारी चाय रखी है पी लेना। और जब मैं ऑयल पेंटिंग ज़्यादा करती थी, कपड़ों वाली पेंटिंग तो आफ्टर मैरिज करने लगी हूँ ज़्यादा, तो तब तो मैं कोई एक आधा अपना सूट बनाती थी, प्रोफेशनली नहीं करती थी। प्रोफेशनली तो मैं ऑयल पेंटिंग का काम करती थी तब। तो मेरी मम्मा जब चाय रख जाती थी ना तो मैं उस चाय में ही ब्रश को धो देती थी भूलकर कि ये पानी है कि तेल है, इसलिए मुझको पता ही नहीं लगता था। इतनी मतलब मैं वो हो जाती थी। और मैंने अपनी मम्मी डैडी का जो पोर्ट्रेट बनाया था ना, मुझे इतना वो लगा, मेरे पापा कहते कि जीते जी हमारा पोर्ट्रेट बना, अगर हमें कुछ हो गया तो हम कैसे देखेंगे तुम्हारे हाथ का। मुझे इतना वो हुआ, फिर मैंने मम्मी पापा का ना पोर्ट्रेट भी बनाया था उनका। तब ये मोबाइल का इतना जमाना नहीं होता था, आज से 20 साल पहले बनाया था जब मैं कॉलेज पढ़ती थी स्कूल में, तो मोबाइल का इतना था। मैंने उनको पिक खिंचवाई थी कि जाके पिक खींचो, अच्छी सी पिक खींचो, फिर पिक को देख देख के बनाया था मैंने। आजकल तो मोबाइल पे इतनी कुछ वो है। अब ये देखो ये अच्छा लग रहा है ना, अब इसके अंदर वाइट कलर की थोड़ी सी टचिंग दे देंगे, है ना। मेरे मम्मी पापा है नहीं इस दुनिया में, पापा को अटैक आ गया था मेरी शादी के 1-2 साल बाद ही, मम्मी की जो है ना भी डेथ हो गई थी। तो मुझे ऐसे लगता है कि उनको ऐसे लगता था कि मैं पेंटिंग में कुछ आगे जाऊं, तो अब मुझे लगता है कि जब तक मेरी सांसें हैं ना मैं सारा जोर अपना इस पेंटिंग पर ही लगाऊंगी, ताकि मैं अपने मम्मी पापा की जो है ना इच्छा पूरी कर सकूं। ये देखो, ओके फ्रेंड्स, ये देखो एक जोड़ा मैंने ये बनाया है, वो जो व्हाइट वाला सूट, अभी मैं इसको डेकोरेट कर रही हूँ धीरे धीरे। अब जब ये सूख जाती है ना ये जुत्ती, मान लो ये सूख रही है, ठीक है, अब इसके ऊपर ना ये वाला जो शाइनर है ना, शाइनर इसकी शाइनिंग के लिए जो प्राइमर होता है वो पतला पतला करके इस पे लगा देंगे, ठीक है। चलो मैं बता ही देती हूँ, क्योंकि सूख गई होगी एक जुत्ती, तो ये मीडियम या प्राइमर होता है ना लेदर वाला। अब ये देखो, अब ये दूसरी स्पंज ले ली मैंने एक, अब इसको देखो इसके ऊपर ऐसे ऐसे फेर देंगे। ध्यान रखना काफी सूख जाए ना फिर करना, नहीं तो सारा कलर उतर जाएगा आपका। इससे क्या है कि जुत्ती में चमक आ जाएगी। ये देखो, मेरी इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। अब देखो इन दोनों जुत्ती में से आपको पता लग ही रहा होगा ये ज्यादा चमक रही है। और एक ये किसी ने कहा था कि कलर वाला जो डिब्बा है ना उसकी मुझे पिक दो, ये आप देख लो आप फैब्रिक कलर, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, और जो भी मेरे वेल विशर्स हैं वो मुझे बहुत बहुत मतलब दुआ दिया करो, ताकि मैं बहुत आगे जाऊं, मैं उनका बहुत ही आभारी रहूंगी। ओके फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।